पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले पीसीएस एग्जाम को लेकर के जो चर्चा है, आरओ एआरओ एग्जाम को लेकर के जो चर्चा है, उसके बाद में हम बात करेंगे एमपीपीएससी की जो आज एक नोटिस जारी हुई है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, दीपावली के अवसर पर यहाँ पर बहुत बड़े ऑफर हैं। जैसे देख सकते हैं इनके सभी कोर्सेज में 88% तक की छूट दी गई है। इसी तरीके से यूपीपीएससी के जितने बैचेज हैं उनमें 81% तक की छूट दी गई है। अगर हम बात करें कि बीपीएससी के कौन कौन से बैचेज हैं तो उन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सक्षम 2.0 है, ये फाउंडेशन कोर्स है। निपुण बैच है 17वीं बीपीएससी के लिए, इसके आवेदन चल रहे हैं इस समय। रैपिड रिवीजन बैच है, निर्वाण है, यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है यानी प्रीलिम्स और मेंस के लिए, रफ्तार रैपिड करंट अफेयर्स के बैच चल रहा है। यशवी है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, प्रथम 2B है हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, फाउंडेशन बैच है। ये जितने भी बैचेज हैं इनमें छूट तो है ही है, साथ में एक कोड लगा देंगे आप PSP500 तो आप लोगों को 500 रुपये की और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से यूपीएससी की बैचेज हैं इनमें 81% तक की छूट दी गई है और यूपीपीएससी की जो बैच है उनको भी देख सकते हैं। सर्व सक्षम बैच है 2025 जिनका टारगेट है, जिनका 2024 टारगेट है उनके लिए भी बैच है। यूपी स्पेशल का अलग से चलता है। आरओ प्री पीसीएस प्री के लिए भी एक बैच है, कॉम्बो टेस्ट सीरीज का है। यूपीएससी मेंस का बैच चल रहा है, मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रीलिम्स मेंस के लिए यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच है। प्रथम 3.0 2025 वालों के लिए हिंदी बैच है। इस तरीके से यहाँ पर भी बहुत सारे बैचेस हैं। तो ये जितने भी बैच देख रहे हैं आप लोग, जितने भी कोर्स देख रहे हैं, इन सारे कोर्सेज की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। आप लोग कूपन कोड लगा करके इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं, आज मेरे पास बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। बधाई हो योगी जी, मान गए पर अब परीक्षा एक ही दिन में मार्च अप्रैल। एक और कोई विद्यार्थी है, इन्होंने ये कमेंट किया, ये देख सकते हैं आप लोग, क्या अपडेट है सर जी, सही है या गलत है। और मुझे पता था कि जैसे जैसे एग्जाम होगा वैसे वैसे चर्चाएं गर्म होंगी, इसीलिए मैंने कल शाम को ही पीसीएस और आरओ एग्जाम को लेकर के एक वीडियो बनाया था जिसको लगभग 19,000 लोगों ने देखा था। तो अभी ये जो न्यूज चल रही है पीसीएस और आरओ एआरओ की, अभी मैं इस पर कोई भी उस तरीके की कमेंट नहीं करूंगा और मैं इस न्यूज को अपनी तरफ से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो इसकी पुष्टि मैं नहीं करूंगा कि ये 25 में जा रही है। मेरे पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है और मेरे पास जो जानकारी है कि वही पीसीएस का जो एग्जाम है और आरओ एआरओ का जो एग्जाम है, ये दोनों एग्जाम आपके दिसंबर अभी तक की जानकारी है। और हालांकि विद्यार्थी प्रयास कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास बात पहुँच भी गई है, पूरी तरीके से पहुँच गई है। उनके संज्ञान में भी मामला आ गया कि प्रयागराज में छात्रों की छात्र बहुत ज़्यादा गुस्से में है। वहीं पर जो जानकारी मिल रही है परीक्षा केंद्रों से कि वहाँ पर परीक्षा की तैयारियाँ भी चल रही हैं, 7 और 8 तारीख की तैयारियां पीसीएस की चल रही हैं। और यानी कि 2 शिफ्ट में जो एग्जाम है, 2 दिन में पीसीएस का और 3 शिफ्ट में आरओ का एग्जाम जो 22-23 दिसंबर को होने जा रहा है, इस तरीके की जानकारी है मेरे पास। अभी कोई ये नई डेट के बारे में मेरे पास अभी ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हम टारगेट बनाएं तो अभी आप टारगेट दिसंबर ही बनाइए, कुछ भी हो मैं कन्फ्यूज नहीं करूँगा विद्यार्थियों को। जैसे विद्यार्थी अभी आराम से तैयारी कर रहे थे कि 7-8 को परीक्षा होगी या अगर सिंगल में भी होगी या डबल में भी, जैसे भी होगी 7-8 को हो जाएगी और दिसंबर 22 को आरओ की हो जाएगी, तो फिर से नई चीज़ें निकल आई हैं। तो ये मार्च अप्रैल वाली जो बात है वो मैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहूँगा। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो जानकारी मैंने जब दी थी तो वो पुख्ता जानकारी दी थी कि आपका जो पीसीएस है वो पोस्टपोन होने जा रहा है। मैंने पुख्ता कहा था और वो बात सही भी थी और पीसीएस आपकी पोस्टपोन हो भी गई जो बोलूँगा। और जब पूरी तरीके से जानकारी अप्रूव्ड हो जाएगी तभी मैं आपको जानकारी दूंगा। और सूत्रों के हवाले से भी जो जानकारी मुझे मिली है वो यही है कि अभी भी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही करे जाने की योजना है और आरओ एआरओ की भी। और जब कुछ बिल्कुल कंफर्म टाइप का हो जाएगा मेरी नज़र में, हो सकता है कि कुछ लोगों को कन्फर्म हो गया हो, भाई कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि तो मुझको कन्फर्म नहीं है तो किसी और को कन्फर्म नहीं होगा, ऐसी बात भी नहीं है। तो लेकिन आप मुझसे पूछ रहे थे, मैंने अपना दृष्टिकोण बता दिया। अब बात करते हैं एमपीपीएससी की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्जाम डेट है वो घोषित कर दिया है, 28 तारीख की ये डेट पड़ी हुई है। राज्य सेवा परीक्षा 2025 की प्रारंभिक परीक्षा दिनांक 16 फरवरी 2025 रविवार को मध्य प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम, परीक्षा योजना राज्य सेवा परीक्षा 2024 के समान ही होगा। परीक्षा की अधिसूचना यथाशीघ्र वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी और ये सब बातें लिखी है। आज के वीडियो में इतना ही, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।